आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट आई सामने। सौरभ भारद्वाज ने भाजपाइयों को बोला डरपोक। क्या अब सौरभ भारद्वाज भी जाएंगे जेल? आखिर केजरीवाल की तुलना पीएम मोदी से क्यों? एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट सामने आ गई है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने नेताओं को बचाने का प्रयास किया। केजरीवाल का बचाव किया, मनीष सिसोदिया का बचाव किया, संजय सिंह का बचाव किया और ये साफ तौर पर कह दिया कि भाजपा पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल से डर गई है। सौरभ भारद्वाज आतिशी समेत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें साफ तौर पर ये कहा कि आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल से देश के प्रधानमंत्री डर गए हैं, ये बात कही। जबकि यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कह दिया, संदीप दीक्षित ने, कि यहां पर देखें हम कि अरविंद केजरीवाल डर चुके हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भाई और भी हम नेताओं की बात कर ले तो उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसा है। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता सच में बौखला गए हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी करते हैं और यहां पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जो है राजा बताते हुए, अरविंद केजरीवाल को जो है बहुत अच्छा बताते हुए, उनकी छवि की तारीफ करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक बोल दिया। लेकिन भाजपा पार्टी पहले ही ये बात कह चुकी है कि ईडी के समन का जवाब आपने क्यों नहीं दिया। भाजपा सरकार पहले ही कह चुकी है कि ईडी के सवालों का जवाब ना देकर अरविंद केजरीवाल खुद फंस चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम ईडी के सवालों का जवाब देंगे तो यहां पर गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए दिवाली मनाने के लिए अरविंद केजरीवाल रुक चुके हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे जो है आतिशी और सौरभ भारद्वाज बौखला जाते हैं, आप पहले इस वीडियो को सुनिए। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी विधायक दल के साथ मीटिंग थी और उसमें लगभग सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। मोटे तौर पे ये बात थी कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से समस्या है तो सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी से है। जितने मुकदमे आम आदमी पार्टी के विधायकों पे हुए, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पे हुए और जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की तैयारी है, साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को किसी से डर है सत्ता का तो वो अरविंद केजरीवाल है और वो चाहते हैं किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। इलेक्शन लड़के देख लिए, तीन तीन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, एमसीडी हार चुकी है। अब ये बात जान चुके हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाना है तो चुनाव लड़के तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा सकती। अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र करके सत्ता से हटाया जा सकता है और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक एक करके, लगभग सबने एक बात अरविंद केजरीवाल जी को कही कि अक्सर ये होता है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बना के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि अब तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, अब दिल्ली की सत्ता कैसे चलेगी, अब तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। एक एक विधायक ने अरविंद जी को हाथ जोड़ के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो और आपकी सत्ता ली जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन से चले, चाहे आसमान से चले, चाहे पाताल से चले, चाहे जेल से चले, चाहे पुलिस कस्टडी से चले, चाहे जुडिशियल कस्टडी से चले, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का है। हम लोगों ने गली गली जाके वोट अरविंद केजरीवाल जी के लिए मांगा है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने, सरकार अरविंद केजरीवाल जी चलाएं, ये मैंडेट, ये आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने सिर्फ और सिर्फ श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। और इस मैंडेट के साथ खिलवाड़ करना या धोखा देने का हक जो है किसी को नहीं है। मेरी कई लोगों से बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से भी बात हुई, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप एक ट्रायल के बहाने जेल में डाल दें। कन्विक्शन होती है एक अलग बात है, कानून के अंदर और संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दिल्ली के या किसी भी राज्य की जनता का जो अधिकार है, जो उनकी फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, राइट टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट, राइट टू इलेक्ट अ पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, इसको आप चैलेंज कर सकें। ये अधिकार जनता का है, किसी संविधान की धारा में इस अधिकार के ऊपर कोई ऐसा अंकुश नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को अगर ट्रायल के बहाने जेल में रखा जाए तो आप उनको इस्तीफा दिलवाएंगे। इसलिए हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन किया है कि जैसे भी हो अफसर आएंगे जेल में, हम कैबिनेट कुलीग्स हैं, हम लोग बहुत खुश रहेंगे, अरविंद जी जब बुलाएंगे हम लोग जाएंगे, और मुझे लगता है जैसा माहौल है बहुत जल्दी हम असली में जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं है। जिस तरीके की तैयारियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जल्द ही बाकी कैबिनेट कुलीग्स भी मुख्यमंत्री जी के साथ जेल में जाएंगे, तो हो सकता है आतिशी जेल नंबर 2 में हो, मैं जेल नंबर 1 में हूँ, कोई जेल नंबर 6 में हो, तो जब कैबिनेट मीटिंग हो ही करेगी तो आ जाए करेंगे, एक साथ कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, कैबिनेट का फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री जी को जब ज़रूरत हो ही करेगी तो अफसरों को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, फैसला किया जाएगा, और हमारे विधायक साथी जो बाहर रह जाएंगे जितने भी, वो लोग उस फैसले को बाहर जो है कार्यान्वित करेंगे। दिल्ली के लोगों के काम मुख्यमंत्री जी रुकने नहीं देंगे। मैं अब आतिशी जी से कहूंगा, वो बताएं। आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग हुई और सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता की राय बताई। हम सब ने उनको बताया कि हम जिस गली में जाते हैं, जिस पार्क में जाते हैं, जिस कॉलोनी में जाते हैं, जिस RWA से मिलने जाते हैं, आज सबके जबान पे सिर्फ एक चीज़ है कि मोदी सरकार ने अब आम आदमी पार्टी के साथ अति कर दी है। सब ये कह रहे हैं कि बार बार अगर केस होता है, अगर अरेस्ट होता है तो आम आदमी पार्टी वालों का ही होता है। पहले विधायकों को अरेस्ट कर रहे थे, फिर मंत्रियों को अरेस्ट करने लग गए, फिर हमारे सांसदों को अरेस्ट करने लग गए, और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल भेजने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है कि वो एक आदमी जो दिन रात उनके लिए काम करता है उसके साथ अतिवाद हो रहा है। तो सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल जी को एक ही सुर में बात कही है कि चाहे मोदी सरकार षड्यंत्र रच के उन्हें तिहाड़ के अंदर डाल दे, लेकिन फिर भी हम सब ने आग्रह किया है कि वो अपना इस्तीफा ना दें, क्योंकि आखिरकार लोगों ने वोट किसी विधायक को नहीं दिया, किसी पार्टी को नहीं दिया, दिल्ली के लोगों ने अपना वोट, अपना मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया है, और किसी झूठे षड्यंत्र से हम दिल्ली की जनता का ये भरोसा नहीं छूटने देंगे। चाहे कितने दिन भी मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे, दिल्ली के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है, वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके, ज़रूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहाँ पर, ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोर्ट से लेंगे।
दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं देंगे। ये सारी बात होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो विधायकों से बातचीत के बाद अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब के विधायकों से भी चर्चा करेंगे, देश भर में जो आम आदमी पार्टी का संगठन है उससे चर्चा करेंगे और विचार करेंगे इस प्रस्ताव पर जो दिल्ली के विधायकों ने दिया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस पर प्रश्न भी करते हैं और आज दिल्ली में बहुत चर्चा है इस चीज़ की। मैं पूरे सम्मान के साथ कहूँगा न्यायालय के लिए कि पूरी मनीष सिसोदिया जी की बेल के दौरान माननीय न्यायाधीश जी ने जब जब ईडी से मनी ट्रेल के बारे में पूछा, बार बार पूछा पैसा कहाँ आया, मनीष सिसोदिया जी के पास पैसा कैसे आया, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ क्या मिला, मनी ट्रेल का क्या एविडेंस है, जो गवाही तुम दिखा रहे हो वो तो आरोपियों की गवाही है, वो दो मिनट भी ट्रायल में नहीं टिकेगी। सब पत्रकारों ने और पूरी देश की जनता ने वो ट्रायल सुनी है, अखबारों के माध्यम से पढ़ी है, एक भी मनी ट्रेल के सवाल का जवाब ईडी के वकील सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे पाए। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, ये दर्ज है इतिहास में। मगर उसके बावजूद जिस तरीके से मनीष जी की बेल डिनाय हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको इसका बहुत खेद है। देखिए, इससे पहले जो उदाहरण है वो कन्विक्शन के बाद, किसी के ऊपर आरोप साबित होने के बाद, सजा के बाद किसी मुख्यमंत्री के जेल के जो है उदाहरण है, किसी मुख्यमंत्री को अंडर ट्रायल इस तरीके से भेजने के उदाहरण भी कम है और मुझे नहीं लगता कि संविधान के अंदर इसकी कोई दिक्कत है। और आतिशी जी ने जैसे बोला, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को ज़रूरत पड़ती है, कई बार वो अपने MLA फंड वगैरह की जो फाइलें हैं उनको साइन करके भेजते हैं, इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी भी अपने पास जो फाइलें उनके पास जाया करेंगे उसको वो साइन करके भेजा करेंगे। सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन 10 तारीख दूर नहीं है, 10 तारीख जो है नज़दीक है। देखना ये पड़ेगा कि 10 नवंबर को क्या संजय सिंह को राहत मिलती है या फिर कोर्ट जाएंगे, या फिर केजरीवाल को जब दूसरा समन भेजा जाएगा तो क्या भागने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की लगातार किरकिरी चल रही है। ये कहा जा रहा है कि अब KCR की बेटी जो कविता है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि समीर महेंद्रू से बात की जाएगी, विजय नायर से, और सबूतों को तलाशने की कोशिश की जाएगी और जनता से भी पूछा जाएगा कि आखिर हुआ क्या करता था। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल बच पाएंगे या फिर सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के पहले जिस तरीके से उनके पार्टी के नेता उनका बचाव कर रहे हैं वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।